ऐसा लगता है कल ही की बात है जब तुमने पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन बनाए थे। जैसे कल ही की बात हो श्रीलंका के खिलाफ 183 बनाकर भारत की जीत के साथ करोड़ों दिल जीत लिए थे तुमने। हर भारतीय की जुबान पर एक ही नाम था, महेंद्र सिंह धोनी। कल ही की बात लगती है, तुमने आखिरी ओवर में जोगिंदर शर्मा के हाथ में बॉल दी थी। उस वक्त कितने ही क्रिकेट प्रेमियों को लगा था हम पक्का हार जाएंगे, मगर सबको गलत साबित करते हुए तुमने 2020 का वर्ल्ड कप जीत ही दिया। मानो कल ही की बात हो जब तुमने वो आखिरी छक्का लगाकर 28 साल बाद भारत को विश्व चैंपियन बनाया था, वर्ल्ड कप अपने भारत लेके आया था। एक छोटे शहर का बड़े सपनों वाला लड़का, भारत का सबसे चहेता सर्वश्रेष्ठ कप्तान बनेगा, किसने सोचा था। माही, तुम जैसा इंसान करोड़ों में एक ही बनता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारा गेम उम्दा किस्म का है, सिर्फ इसलिए नहीं कि सारे जहां में तुम इकलौते ऐसे कप्तान हो जिसने आईसीसी की सारी ट्रॉफीज अपने मुल्क के लिए जीती हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि जब तुम मैदान पर होते हो तब तुम्हें कम बॉल और ज्यादा रन्स कमाना कभी असंभव नहीं लगता, सिर्फ इसलिए नहीं कि कभी कोई मैच हारने की कगार पर हो फिर भी सारे देश को विश्वास रहता है अरे अभी धोनी है, लास्ट बॉल तक उम्मीद बांधे रखना तुम्हीं से सीखा है माही। इन सबके साथ जो खूबसूरत इंसान तुम हो, शांत और नम्र, जैसे कोई बड़ा सा समंदर सामने हो, यही बात तुमको औरों से अलग करती है और इसी बात का सारा देश दीवाना है। कहीं ना कहीं हम सबको पता था जब भी तुम्हारे रिटायरमेंट की खबर आएगी वो इसी तरह आएगी, बिना कोई शोर शराबे के एकदम अचानक, क्योंकि तुम भी ऐसे ही हो। मैच जीतने के बाद हर फोटो में साइड में खड़ा रहने वाला कप्तान और किसी हार के बाद सारी गलती अपने सर लेकर किसी पर्वत की तरह पूरी टीम के लिए खड़ा होने वाले कप्तान से और क्या उम्मीद हो सकती है। तुम्हारे जैसे नायक और कप्तान इस शब्द को इतनी खूबसूरती से पेश करने वाला शायद ही कोई हो। तुम लीडर हो, टीम बिल्डर हो, मोटिवेटर हो, रिस्क टेकर हो, और ये शब्द तुम्हारी सारी कहानी हमें सिखाती है। ये मात्र किसी किताब में पढ़े चंद शब्द नहीं है, ये तुम हो, तुम्हारा सारा व्यक्तित्व है। हमारी दुनिया जहाँ एक छोटी सी कामयाबी से लोग पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, वहाँ सारी दुनिया जीत कर भी तुम जैसा शांत और विनम्र रहना ये किसी जादू से कम नहीं है। तुमने जो इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है उससे कितने ही दिल टूटे हैं, मगर एक बात है, हम सबको तुम पर नाज है। हमें नाज है हर उस लम्हे पर जब हार की कगार से तुमने जीत खींच कर लाई और देश के नाम कर दी। जाते जाते तुमने हमें लाखों पल दिए हैं, जब हम कभी उन स्टेडियम में बैठकर हंसे हैं, रोए हैं, सीटी बजाते हुए जश्न मनाया है, टीवी के सामने बैठकर तुम्हारे क्रिस पर आने का इंतजार किया है, सारे परिवार ने बैठकर माही को मारते हुए देखा है। शुक्रिया हर उस पल के लिए। तुम
पल दो पल के शायर नहीं हो। तुम्हारी गजलें, तुम्हारे नगमे सदियों तक साथ रहेंगे, हर कोने में गूंजेंगे। माही, यू वॉज आर कैप्टन एंड यू विल ऑलवेज रिमेन अ कैप्टन। Thank you.